length of band. I band means correct. I band matlab light band. Uski length hai 1 micrometer in length. ठीक है. और A band मतलब dark band, उसकी length है 1.5 micrometer in length. 1.5 micrometer in length. ठीक है. ओके. तो टोटल सार्कोमियर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? टोटल सार्कोमियर की एक्चुअल लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? सपोज ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये वाला नॉर्मल स्ट्रक्चर है. ओके. ये है एक्टिन और ये है मायोसिन. ठीक है. एकदम स्लाइटली ओवरलैप कर रहा है एक्टिन को. ओके. तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर ओके. तो चलिए एग्जैक्टली मिडल पोजीशन पर कौन है? जेड लाइन. ओके. मतलब इस करेक्ट 0.5 प्लस 0.5. ओके. और ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो इन टोट डार्क बैंड मतलब ए बैंड का ये डिस्टेंस है मायोसिन वाला. तो ये टोटली जब रिलैक्स्ड होता है तो ये स्लाइटली ओवरलैप कर रहा है इसको, स्लाइटली ओवरलैप. ठीक है. तो ये डिस्टेंस आप एज इट इज 1.5 ले सकते हो माइक्रोमीटर, और स्लाइटली उससे कम भी ले सकते हो. तो 1.5 तो एक्चुअली सार्कोमियर की अप्रोक्सीमेट लेंथ है 2.5 माइक्रोमीटर इन रिलैक्स्ड कंडीशन. इन रिलैक्स्ड कंडीशन मतलब पोलराइज्ड कंडीशन, मतलब पोलराइज्ड कंडीशन. पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन पता है ना? पोलराइजेशन मतलब रिलैक्स, डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, रिपोलराइजेशन मतलब अगेन गेट रिलैक्स्ड. ठीक है. पोलराइज्ड कंडीशन में सार्कोमियर की लेंथ होती है 2.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ओके. व्हाट इज मीन बाय अगेन सार्कोमियर? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन कॉल्ड एज अ सार्कोमियर. ठीक है. प्लस वन फुल आई बैंड, सॉरी वन फुल ए बैंड प्लस टू करेक्ट हाफ आई बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सार्कोमियर. करेक्ट. एक फुल ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड मतलब सार्कोमियर. ठीक है. ओके.